एक भाई बोले कि नोटबंदी क्यों हुई, काला धन वही काला। मैं बताऊं क्या हो, नोटबंदी से पत्थरबाजी बंद होगी, हुई ना हुई, जो साले पत्थर मार देते दो टके गए सुवर सैनिकों पे। आप शब्दों का प्रयोग मत करें। नहीं मैं सही बोल रहा, मैं सही बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा। जो कोई विरोधी हो सामने, जो विरोधी कोई आए सामने, मैं बोला ना इनको टके के हमारे सैनिकों पे पत्थर मारते थे, उनके हलक में लठ दिया मोदी ने। अच्छा। बताओ जो बम फोड़ने आते थे उनके हलक में लठ दिया। बताओ बताओ वो भी तो बंद किया है। तू बोल रहे अब शब्द बोल रहे, अरे कौन बोल रहे बोलो तो अब शब्द मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा अब शब्द बताओ। कम्युनिटी यार गाइडलाइंस, अरे कोई नहीं गाइडलाइंस कोई बात नहीं, इनको बस मोदी मोदी आता है, इनको कुछ इवेंट करता है, मोदी मोदी आता है, ठीक है। ये इनको पे तुम डालो या ना डालो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अच्छा। वो तुम काट पीट का कर दोगे सब। अच्छा। हमें पता है। बीप लगा बीप। क्योंकि हमारे तो यूट्यूबर है नहीं, बीप कर दे रहा। हमारा तो यूट्यूबर चैनल है नहीं, आप कही है वो सेटिंग करके आप ही करोगे। कुल मिला के मोदी के जिता के ही रहोगे, राहुल गांधी को इतने हल्के में लेना डंडे की चोट पे। एक बार मैं बता रहा हूँ, किसी भी झोपड़ी में किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, गरीबों से सवाल पूछ लो। अरे आपने झोपड़ी रोहिणा रोहिया जी ने बिल्डिंग बनवा दिया इनको, झोपड़ी रोहिया मुस्लिम के तहत तो बनवा, रोहिया मुस्लिमों की है झोपड़ी और किसी की नहीं है। जो रोहिया गरीब को तो दिया नहीं है ना, हर गरीब को दिया है मोदी, नहीं दिया ना हर गरीब को। हिंदुस्तान में रह रहा है उसका अपना मकान ना हो, कोई हिंदुस्तान में रह रहा है उसका अपना मकान ना हो, मुझे बता दो। ये रोहिया मुस्लिम बांग्लादेशों की पड़ी झोपड़ी, जितनी कॉलोनी है झोपड़ी है वहाँ से हटवा के बिल्डिंग बनवाओ। जो स्टेशन के तुम स्टेशन के बराबर में पुलों के नीचे की बात कर रहे हैं, पुलों के नीचे उनकी उनके लिए बिल्डिंग बना के दे दे, पार्कों में बिल्डिंग बना के दे दे उनके लिए, बांग्लादेशियों के लिए जब खुश हो जाए। थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो काला धन की बात कर रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान वाले जो नकली करेंसी जो इंडिया में भेजते थे ना। अच्छा। वो खत्म हुई है। अच्छा। और इसे काला धन का कई बिजनेस काला धन ने जाके सुसाइड किया पाकिस्तान में, कितनों बिजनेसमैन ने ये नहीं पता इनको कहाँ पे रोजगार। हमें हमारे देश के बारे में नहीं सोचना है, बांग्लादेश क्या कर रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है इनको ये मतलब है। बताओ बेरोजगारी कहाँ पर है, बताओ बेरोजगारी कहाँ करो, संसद में हमला कर दिया यार। किसने करा संजय, किसने करा संसद में, किसने करा संसद में, वे वे कहते हैं बेरोजगारी की देन है। वे 40-40 साल के बेरोजगार है। और सेकंड बात, अगर जो वे बेरोजगार है तो उन सालों ने अपना मोबाइल क्यों जलाया, अगर जो बेरोजगारी है बेरोजगारी की वजह से किया तो उन सालों ने अपना मोबाइल क्यों जलाया, मुझे ये बता दो। अच्छा। सबूत क्यों मिटा है ये बताओ। वे बेरोजगार है, वे साले देशद्रोही है। अच्छा। उन पे तो ऐसी रासुका लगने चाहिए, उनके घर के भी लिपटने चाहिए, उनके तो घर के भी लिपटना चाहिए।